बढ़ रहे अपराध की रोकथाम के लिए यूपी में बड़े स्तर पर अभियान शुरू हुआ है। इस दौरान यूपी में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अभियान शुरू हुआ है। गौवध और गौ तस्करी के अपराधों में प्रभावी कार्रवाई को लेकर मुकदमों का भी सत्यापन किया जाएगा। बता दें कि साल 2022 में हुए अपराध पर साल 2023 में आई कमी पर भी मामलों का सत्यापन किया जाएगा। डीजीपी विजय कुमार की ओर से 10 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के निर्देशन में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराध अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति और अपराध की रोकथाम और अपराध होने पर उसके शीघ्र अनावरण एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा समय समय पर विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं। गोवध और गो तस्करी के अपराधों में बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। गोवध और गो तस्करी के अपराधों में प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्ष 2017 से अब तक पंजीकृत अभियोगों में संलिप्त अपराधियों का सत्यापन कराकर सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई किए जाने हेतु दिनांक 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक 15 दिवसीय अभियान चलाया गया, जिसकी सफलता को देखते हुए पुनः दिनांक 18 नवंबर से 28 नवंबर तक 10 दिवसीय अभियान चलाकर उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई, जिसके फलस्वरूप अपराधों में कमी आई है। गोवध में माह नवंबर 23 में नवंबर 22 की तुलना में 27% की कमी आई है। गोवध में माह नवंबर में सितंबर 23 की तुलना में 38% की कमी आई है। गोवध में माह नवंबर 23 में अगस्त 2023 की तुलना में 40% की कमी आई है।